दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना शहर में ट्रैफिक नियमों को पूर्ण तौर पर लागू करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और डीटीओ विभाग की ओर से लगातार सांझे तौर पर शहर के अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी कर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह लुधियाना के किचलू नगर स्थित भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के बाहर विशेष नाकाबंदी कर अंडर एज स्टूडेंट्स के टू व्हीलर और स्कूल की बसों के चालान किए गए। इस दौरान डीटीओ अनिल गर्ग ने बताया कि स्कूल के बाहर नाकाबंदी कर स्कूल की बसें बंद की गई हैं। इस मौके पर मौजूद एसीपी ट्रैफिक ऋचा अग्निहोत्री का कहना है कि स्कूलों में अंडर एज बच्चों द्वारा टू व्हीलर लाकर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की जा रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किए गए हैं। लुधियाना से कैमरामैन रोहित कुमार के साथ सुरेश गर्ग की रिपोर्ट। बाहर से जलंधर से बच्चे ऑटो लैन आना पिया मेरे बच्चे। परेशानी यही भी स्कूल ज्यादा इन्होंने को बयान वाले को कागज नहीं है, कोई कमी पेशी उन्होंने को है। इन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती की है, जिस सख्ती करनी तो पूरे शहर जिन्ना ऑटो चलता वो भी रोकन। स्कूल दैन स्कूल वाले को बयान ही है नहीं। हुण असी पहले ही प्लान किया हुआ जो स्कूल रीओपन होंगे असी अंडर एज ड्राइविंग नू चेक करना है, प्लस जी अनसेफ जड़िया रूल्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनस नहीं फॉलो कर रही, जी बसेज एंड स्कूल कैरिंग वहीकल्स उन्होंने असी चेक करके बंद करा। हूँ उसी ड्राइव च मैं तो डीटीओ साहब ने जॉइंट नाका लाया, बाकी स्कूल चार पाँच स्कूल से होर भी नाका लगा हुआ है एंड रेगूलरली असी इनू कर रहे हैं नाकाबंदी। डीवीएम स्कूल किचलू नगर के असी अज स्पैशल नाके राही स्कूल बसिस की तो जिहड़े अंडरएज ड्राइविंग के बच्चे ने उन्होंने स्पैशल चैकिंग की है। जिहड़ियां कोई बसें सानूं सेफ वाहन स्कीम के जिहड़े नॉर्म्स ने वो पूरे नहीं करते मिल रही, असीं उन्हां दे गियर बाउंदे हां।